हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी एम। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी। पर उससे पहले एक रिमाइंडर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे कॉर्न। यहाँ मैंने 2 बाउल कॉर्न लिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे जिसमें ये कॉर्न डूब जाएं, और इनको हम बॉईल करेंगे अच्छे से। लगभग 10 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे। एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से बॉईल हो जाए। ये हमारे कॉर्न हो गए हैं। अब इन्हें हम पानी से निकाल कर और इसी तरीके से ठंडा कर लेंगे। या तो आप इसे कपड़े पर निकाल कर इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लीजिए, या फिर इसे फैन के नीचे खुले बर्तन में डालकर अच्छे से, ताकि इसमें कोई पानी ना रहे, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। तो पानी रहेगा तो ये तेल में चटक सकते हैं। तो इसको इसी तरीके से हम ठंडा कर लेंगे और बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। ये कॉर्न हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इनको मैंने बिल्कुल बड़ी प्लेट में निकाल कर और फैन के नीचे अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर। जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। अभी पहले हम 4 चम्मच डालेंगे ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से कॉर्न में हो सके, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम हाथों का यूज़ करेंगे। हल्का सा इसे हाथों से इस तरीके से क्रश करते हुए करेंगे ताकि जो मॉइस्चर जो हमने इनको उबाला है, जो पानी कॉर्न के अंदर गया है, तो वो अच्छे से निकल जाए, ताकि ये जिस टाइम हम इनको फ्राई करें तो ये उसमें फूटे नहीं, और जिससे जलने का डर भी हो सकता है। तो इस तरीके से करके अब यहाँ हम डालेंगे और कॉर्नफ्लावर, क्योंकि कॉर्नफ्लावर की कोटिंग हमारी कम हो गई है, उसका पानी निकला है कॉर्न में से। अब हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इसी तरीके से। जो मेन स्टेप है वो यही है, इसमें कोटिंग होना ज़रूरी है, तभी कॉर्न क्रिस्पी हो पाएंगे। अब हम इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर हमारा नीचे रह गया है वो इसमें मिक्स हो जाए और जो एक्स्ट्रा है वो नीचे बैठ जाए। ये हमारे कॉर्न बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इस पर कोटिंग हो गई है। हमें इसी तरीके से कॉर्न चाहिए अपने। अब हम आगे का प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने ऑयल डाला है, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है बिल्कुल तेज फ्लेम पर। और यहाँ पे मैंने ये कॉर्न छन्नी में छान लिए ताकि जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है वो नीचे निकल जाए और हमारे कॉर्न जो हैं वही रह जाए। अब हम इन कॉर्न को फ्राई करेंगे। इसके लिए हम फ्लेम को पहले स्लो कर लेंगे ताकि कोई छीट ना पड़े, जिससे जलने का कोई डर ना रहे। और साथ में ही हम ये कॉर्न डालेंगे और साथ में इसको कवर करते रहेंगे इस तरीके से, और हल्का सा इसमें स्पेस छोड़ेंगे ताकि अगर जो कॉर्न फूटेंगे तो वो इसी के अंदर रहें और जो मॉइस्चर है वो भी निकलता रहे, पानी बनकर जो है भाप वो तेल में ना गिरे। इसलिए इस तरीके से हम एक ढक्कन से हल्का सा उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, और इस समय हम फ्लेम को तेज कर देंगे। एक बार कॉर्न को हम हिला लेंगे। अब हम ढक्कन को हटा देंगे इसके ऊपर से, क्योंकि अब कॉर्न हमारे लगभग फ्राई हो गए हैं, और इनको हिलाते हुए ताकि ये अच्छे से इनका कलर आ जाए। बिल्कुल क्रिस्पी लग रहे हैं ये, और अभी हम इनको अच्छे से थोड़ा और ब्राउन करेंगे। ये हमारे कॉर्न फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने कॉर्न फ्राई किए थे, मैंने वही कढ़ाई ली है, उसमें से ऑयल निकाल लिया है एक्स्ट्रा, और 2 चम्मच ऑयल डाला है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। यहाँ मैंने आधी कटोरी लहसुन लिया है और इसको रफली चॉप कर लिया है। लहसुन हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ में ही यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्च। ये आपके टेस्ट पर है, आप कितनी लेते हैं, कितना खाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। और साथ में ही लेंगे अदरक,
इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इन सबको हम एक बार चला लेंगे और फ्लेम को हम तेज रखेंगे। एक मिनट तक हम इसे सॉटी करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक शिमला मिर्च, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें साथ में ही यहाँ पर मैं डालूंगी दो बड़े प्याज, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। प्याज थोड़ा हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इस तरीके से इसे हम दो मिनट के लिए सॉटे करेंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, इतना ही इसे हम दो मिनट के लिए सॉटे करेंगे और इसका जो क्रंचीनेस है वो इसमें रह जाए, जिससे कि जो हमारी रेसिपी है ये बहुत अच्छी बनेगी। इस समय हमने फ्लेम को तेज रखा है, इसे हमें तेज फ्लेम पर ही दो मिनट के लिए सॉटे करना है। अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में ही यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो इसे डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा इसलिए मैंने इसको डाला है। और इन सबको अब हम मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने कॉर्न्स में भी पहले नमक डाला है, तो नमक हम कम ही रखेंगे। सिर्फ वेजिटेबल जो हमने प्याज और शिमला मिर्च डाली है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। लगभग मैं तीन बड़े चम्मच इसमें टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। और साथ में ही यहाँ पर डालेंगे हम चिली सॉस। यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच चिली सॉस डाली है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को कर देंगे स्लो और इसमें हमने जो कॉर्न फ्राई करे हैं वो डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आने लगा है इसमें। आप इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इसी तरीके से इसे बनाऊंगी। कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से करते हुए हम इसे एक मिनट के लिए करेंगे ताकि इसमें जो मसाला है वो इसमें अच्छे से लग जाए। बिल्कुल देखिए एक एक पीस हमारा, एक एक दाना अलग अलग हुआ है, इतने बढ़िया हमारे फ्राई हुए हैं और क्रिस्पी कॉर्न बन के रेडी हुए हैं। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हम यहाँ डालेंगे आधा नींबू, जिससे हल्का हल्का खट्टापन इसमें आए और ये बहुत टेस्टी लगेगा इसमें। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको इसी तरीके से अब हम सर्व करेंगे। ये हमारे क्रिस्पी कॉर्न बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।